नमस्कार, एक बार फिर से नदी के तीरे तीरे में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं रितेश मिश्र। इस वक्त हम मौजूद हैं दानापुर विधानसभा क्षेत्र के पानापुर गांव में। ये इलाका राजधानी पटना से महज 3 किलोमीटर भी दूर नहीं है, लेकिन यहां आने के लिए आपको 3 घंटे से भी ज़्यादा समय लगेंगे और एकमात्र सहारा जो है वो यही नाव है। इसी नाव पर सवार होकर आज हम इस गांव में पहुंचे हैं और मेरे चेहरे पर जो आप पसीना देख रहे हैं, ये पसीना इसलिए है कि 3 किलोमीटर की दूरी है लेकिन 3 घंटे से भी ज़्यादा समय लगा। ऊपर कड़ी धूप, नीचे पानी में उमस, आप समझ सकते हैं कि किस पीड़ा में यहाँ के लोग रहते हैं। तो आज इसी गांव में चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पटना से तो इस इलाके की दूरी 3 किलोमीटर है लेकिन विकास की लौ यहाँ पर कितनी पहुँची है। तो इस गांव के अंदर हम आ चुके हैं, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इसी गांव के ये लोग मौजूद हैं, इन्हीं से सीधे कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज हम आपके गांव में आए जी, पटना से महज 3 किलोमीटर की भी दूरी नहीं होगी आपके गांव में, लेकिन आप खुद देख रहे हैं कि मैं पसीना पसीना हो गया जी। क्यों नहीं यहाँ विकास पहुँचा? यहाँ विकास इसलिए नहीं हो रहा है कि किसी भी पार्टी का इस दियारा क्षेत्र पर ऊपर ध्यान है ही नहीं। यहाँ विशेष करके जब इलेक्शन आता है तो सारे पार्टी के नेता लोग यहाँ आते हैं और अपना काम निकाल लेते हैं और जनता के दुख सुख में कभी भी लोग शामिल नहीं होते हैं। हम लोगों को जो समस्या है अभी, जो अभी नदी के किनारे हम लोग खड़े हैं, कोई ऐसा मरीज बीमार ज़्यादा करके सीरियस हो जाता है तो समझिए कि नाव पर हम लोग जाते जाते रास्ते में दम तोड़ देता है। हम लोग नाव ही एकमात्र सहारा है, नाव एक ही सहारा है हम लोगों का, इसी के चलते हम लोग जिए या मरे, यहाँ और कोई साधन नहीं, नाव ही एकमात्र। दियर का एम्बुलेंस नावे है और इसी के सिवा कोई अथी नहीं, कोई सहारे नहीं। आप शिकायत तो कर सकते थे, अपनी बात पहुँचा सकते थे। 15 साल से आपकी विधायिका है आशा सिन्हा। विधायिका जी को जब कहा जाता है तो कहते हैं कि दियारा से हमको कोई मतलब नहीं है, और जब इलेक्शन आता है तो आती हैं और नाना प्रकार के मीठी मीठी बातें बोल करके आश्वासन दे करके उन्होंने कहते हैं कि अबरी हमको जिताइए, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सुविधा देंगे, वो सुविधा देंगे, लेकिन चल जाने, जीत जाने के बाद फिर कोई सुविधा नहीं, फिर कोई। देखिए, जो आपके आप ही के गाँव के हैं, इन्होंने कहा है कि एक से एक वादा किया जाता है, तो 15 साल से क्यों सिर्फ वादों के नाम पर आप लोग वोट कर देते हैं? नहीं है कि विधायक की कभी चाहवे नहीं करती है कि दियरा में कुछ हो, के चाहती है कि दियरा में ना कुछ हुआ नहीं होगा। अब कोई जाता भी है शिकायत करने तो बोलते हैं कि दियरा से हमको मतलब ही नहीं है। 2-4 गो हर घर इलेक्शन में कोई कोई के ले के आ जाते हैं, इधर उधर घूम कर थोड़ा मोरा वोट मिल जाता है इधर से। फिर सबसे बड़ी बात इस इलाके की मैं बता दूं कि साल 2000 में इस इलाके का प्रतिनिधित्व लालू प्रसाद यादव ने भी किया है। इतने बड़े बड़े नाम, बुद्धदेव सिंह यादव, रामलखन सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, इतने बड़े बड़े नाम जो बिहार की राजनीति की धुरी कहे जाते हैं, उन लोगों ने इलाके का प्रतिनिधित्व किया और विकास यहाँ नहीं पहुँचा। विकास नहीं होने का कुछ कारण है कि जनता भी यहाँ के कुछ ढीला है। जब प्रतिनिधि जीत जाता है तो हमारी मांग जो है वो प्रतिनिधि के पास उस समय कह जाते हैं कि भाई आप जो कहिएगा वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हम लोग में कमी एक है कि अब देखिए कि अब यहाँ पक्का पुल होना ज़रूरी था और हुआ भी तो यहाँ डाइवर्सन नहीं दिया गया, जिससे हम लोग को दिक्कत क्या है, डाइवर्सन नहीं देने से फिर नाव ही आधार बन जाता है। बरसात के दिन में नाव से ही आना जाना, अगर डाइवर्सन यहाँ दे दिया जाता तो हम लोग सही से अपना गाड़ी घोड़ा या अपना मोर मकान आते जाते। लेकिन समस्या है कि कुछ हम लोग को कमी है कि जनता हम लोग जा नहीं पाते हैं। कुछ लोग हम जाते हैं, डिमांड करते हैं कि साहब इस तरह की बात आपने कहा जिसकी पूर्ति नहीं किया। अब जैसे यहाँ थाना जो है चला गया छपरा जिला में, जबकि पटना में था, उसके लिए वो लोग कहा कि भाई चलिए DGP के यहाँ, आप ही हैं वो 2-4-10 आदमी और रहिएगा आप लोग, तब ना हम लोग ही करेंगे, तो कुछ कमी हुआ। आपके इलाके में बहुत सारी समस्याएं, लोगों से हमने बात की, लोगों ने बताया, आपको क्या पीड़ा है इलाके में विकास नहीं पहुंची, वो भी उस तरफ पटना है, इस तरफ आपका गांव है, दुख नहीं होता है? दुख तो बहुत होता है जो कह नहीं पाएंगे। दुख तो इतना है
कि पास में ही पुल है ये जेपी सेतु, बट यहाँ डाइवर्सन नहीं दिया गया। अगर ये भी डाइवर्सन रहता तो यहाँ पर दियरा के आदमी उतार चढ़ाव इमरजेंसी के लिए तरफ नहीं होना पड़ता। अगर हम लोग को रात में बिजी हो जाए, रात में कोई तबीयत खराब हो जाए तो हम इमरजेंसी चाह के भी नाव को नहीं खुलवा सकते हैं, क्योंकि इतना पानी भरा है, अभी खतरे के निशान से ऊपर जा रहा है पानी गांधी घाट में शायद। बाकी क्या क्या समस्याएं हैं? चलिए पुल नहीं है, नाव आपकी मजबूरी है, और भी समस्याएं होंगी? हाँ, बहुत सारे समस्या है। यहाँ हॉस्पिटल तो हाँ बिल्कुल नहीं है, यहाँ एक कम से कम दियरा के लिए स्पेशलिस्ट बनाना चाहिए अनुमंडल अस्पताल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय कुमार है सर। संजय जी, इसी गांव के आप निवासी हैं? जी, गंगहरा के। बहुत सारी समस्याओं पे हम बात कर रहे हैं, लोगों ने कहा कि एकमात्र सहारा नाव है, पुल नहीं है इलाके में, बहुत सारी समस्याएं हैं। सड़क भी देखिए रहे हैं, अभी दहाड़ आ गया, कोई पीसीसी भी नहीं, सोलिंग तो है ही नहीं है, पीसीसी की तो बात छोड़िए। यहाँ रहने वाला आदमी का बहुत प्रॉब्लम होता है, हम भी ड्यूटी करते हैं पार्ट टाइम इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ड्यूटी करते हैं, डेली अप डाउन करना, अगर पुल रहता है पीपा पुल तो घर से अप डाउन अपने कर लेते हैं, अभी पुल नहीं है तो बहुत समस्या है। संडे है, छुट्टी पे हैं तो गांव में है, अगर यही पुल रहता तो हमको कोई तकलीफ नहीं होता, क्योंकि बहुत जूझना पड़ता है इन समस्या से पुल से। और बाकी सारा है, रोड भी नहीं है, कोई स्टेडियम भी नहीं है। मैं आया, देखिए पूरा पसीना से मैं भींग गया, और आपकी पूरी जनता इसी तरीके से भींगते हुए आती है। नेताजी से आप अपने नहीं कहते हैं कि कभी चलिए इलाके में क्या परेशानी है देखिए? हाँ, नेताजी लोग का काम जो है सो जितने जो ग्रामीण छो पंचायत है यहाँ के जनता से लोग प्रलोभन नाना प्रकार के दे करके अपने समय पर आ करके, जिसे इलेक्शन चुनाव हुआ आ करके अपना मतलब प्रलोभन दे करके सही बात से अवगत नहीं कराएंगे जनता को। सही बात तो उन लोग के रह जाता है, अब रहा बात कि हर पंचायत का दशा जो है स्थानीय प्रतिनिधि के द्वारा है। आप नेता हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात मुझे आपकी लगी कि आपने स्वीकार किया कि नेताओं में इच्छा शक्ति की कमी है, राजनीति होती है, राजनीति होती है। लोगों ने कहा पुल नहीं है, नाव एकमात्र सहारा है, सड़क नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, क्योंकि आप एक पार्टी से जुड़े हुए हैं लंबे समय तक, ये जो पार्टी है वो आपकी पार्टी भी जो है 15 साल तक, आइए इधर आ जाइए, 15 साल तक टिकाऊ आप सत्ता में रहे थे, अपोजिशन में आप मुख्य विपक्षी दल हैं, तो अपोजिशन के नाते भी तो आपके नेताजी सवाल उठा सकते थे। नेताजी सवाल उठाते हैं लोग, लेकिन उस पर केयर नहीं ना होता है, ध्यान नहीं ना देते हैं लोग। ध्यान देते तो बताइए कि यहाँ पर बुनियादी शिक्षा आज 50 साल के बाद बिजली जो है सो अपूर्ण रूप में है, अभी पूर्णतः नहीं है। तो नेता लोग का काम है अपना काम करना, जनता को किसी तरह गलबला करके किसी तरह उसको मतलब ऐसी करके अपना वोट लेंगे, और वोट लेने के पश्चात जाएंगे, वादा तो नेता स्थानीय नेता से करते हैं। आप बताइए, आप क्योंकि हर इलाके में जाते होंगे, पंचायतों में जाते होंगे, वार्ड में जाते होंगे, इलाके में क्या समस्या है? क्या अगर कोई भी सरकार बनती है, कोई भी विधायक बने, अगर वो आता है तो उस जन प्रतिनिधि से आप लोगों की क्या उम्मीद होगी? आप क्या चाहेंगे कि सबसे पहले आके उस समस्या को वो दूर करें? जीतने के पश्चात स्थानीय जैसे ग्रामीण प्रतिनिधि जैसे मुखिया हुए, सरपंच हुए इत्यादि लोग से अपना चुप्पे मिल करके जाते हैं, अब वो क्या करते हैं नहीं करते हैं जनता को पता। खुद हम देख रहे हैं कि हाँ यहाँ पर समस्याएं हैं, क्या कारण है? कारण यही है सर कि इस गाँव में आज तक पहली बार आप जो एक मीडिया वाले हैं जो दियर में आए और दियर का समस्या सुनने के काम किए। दियर में तो इतना समस्या है कि सबसे पहले तो जल नल वाला जो है सात नीचे मुख्यमंत्री जी का बिल्कुल यहाँ ख़त्म है, सिर्फ फोकस है। इतना पूरा 6 पंचायत का इस दियरा में 3 जिला है, 3 जिला में पंचायत है, 6 पटना के पड़ता है, 1 सदर के पड़ता है और 2 सोनपुर के पड़ता है। ये पूरा मतलब 11 पंचायत जो है 3 जिला मिला के, उसमें जल नल का नाम पर केवल लूट हुआ है। आप अपने से देख लीजिए, यहाँ कहीं पानी नहीं चला आज तक, बिल्कुल नहीं चला, और नली गली वाला जो है बिल्कुल हुआ ही नहीं, मतलब 1-2% हुआ तो हुआ, नहीं तो सफा नहीं हुआ। यहाँ एक प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रहा है अभी प्रधानमंत्री जी का, उसमें खुला लूट है,
अगर अति पिछड़ा जाति से कोई आदमी को मिलता है तो उसे 20 से 25 हज़ार लिया जाता है। अगर ऊपर उठ के आता है जाति में, जैसे जादव हुए, राजपूत हुए, उन लोग से 15 हज़ार लिया जाता है। यहाँ के सहायक के भी मतलब ऑर्डर है कि हमको देना है, जिसका हमारा ही पंचायत में संतोष कुमार सहायक हैं जो दानापुर प्रखंड में हैं, वो बिल्कुल खुले तौर पर पैसा वसूली करते हैं। छोट जात से 25 हज़ार और इससे बड़ा जात होता है उससे 15 हज़ार। यहाँ समस्या ही समस्या है, बहुत समस्या है। चलिए तो इस गांव में हम आगे भी चलेंगे और आगे भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस इलाके का प्रतिनिधित्व बिहार में जो शीर्षस्थ नेतृत्व रहा है उसने अगर किया है, बुद्धदेव सिंह यादव कांग्रेस के विधायक रहे हैं, लंबे समय तक यहाँ से उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, उसके बाद रामलखन सिंह यादव बिहार की राजनीति में अपनी पैठ, लालू प्रसाद यादव 15 साल तक बिहार की सत्ता पर काबिज रहे और उसके बावजूद अगर इलाके में विकास नहीं पहुंचता है, और सवाल तो भाजपा से भी है, बीजेपी से भी है, क्योंकि अगर बीजेपी की बात करें तो पिछले 15 सालों से बीजेपी की यहां पर आशा सिन्हा विधायिका हैं, और 1995 की बात करें तो विजय सिंह यादव पहली बार यहां से बीजेपी के विधायक बने थे। आगे जब हम बढ़े तो एक चाय की दुकान भी हमें यहां मिल गई। जाहिर सी बात है कि चुनावी साल है, चाय के दुकान पर ही राजनीति की शुरुआत होती है, और सबसे बड़ी बात है कि चाय बेचते बेचते आप देखिए कि पीएम बन गए नरेंद्र मोदी जी, तो चाय पर भी भारतीय राजनीति में खूब राजनीति होती है। आज हम आपके इलाके में आए हुए हैं, इलाके में आए आपके बहुत सारे लोगों ने शिकायत की कि विकास नहीं हुआ है, कोई भी विधायक आए, कोई भी सांसद आए। हम खुद नाव पर आए, 1.5 घंटे से ज़्यादा समय लगा हमें आने में। आप तो इतने बुजुर्ग हैं, कई लोगों को आपने देखा होगा, ये बताइए बाबा कि आपके इलाके में विकास क्यों नहीं पहुंचा? अरे विकास करेगा तब न पहुंचेगा, कोई विधायक तो विधायक में है ये नहीं है, है? 10 साल तो इसको हो गया आशा सिन्हा का, 15 साल हो गया। हाँ बोलिए ना, कि को कुछ किया कुछ नहीं, कहता है कहाँ दियर से कोई मतलब नहीं है सीधे। हाँ यही बात, वह बात ना हम उससे पूछे आया तो 23 साल कि 5 साल कहाँ लू है, एबरा कहाँ ला लू है तो भुट्टा खाए, हम 5 बरिस में भुट्टा निकाल ली हो, आ जाए वह इलेक्शन में भागल चला आ जाए है यहाँ से। सबसे बड़ा नाम बिहार की राजनीति में अगर आज भी जो नाम बड़ा है वो लालू प्रसाद यादव जी का है, 15 साल बिहार की शासन पर उन्होंने राज किया, ठीक, साल 2000 में यहाँ से विधायक भी रहे, उनकी सत्ता भी रही, फिर क्यों नहीं विकास हुआ? फिर नहीं विकास हुआ, को अपना देखने लगे, साधु जादो ये सब है सार का, उसीलिए विकास उनका टूट गया, और क्या है उसमें, यही से उनका। बाबा बहुत अच्छा लग रहा है, फिर मैं आपके पास आऊँगा। आपका क्या नाम हुआ बाबा? रघुनाथ जादव। अच्छा रघुनाथ जी, आप इसी इलाके के हैं? नहीं, इसी इलाके के नहीं, बाहर से आए हुए हैं। अच्छा चलिए बाहर से आए हैं, ये बताइए इस बार चुनाव होने जा रहा है, बहुत सारे मुद्दे हावी हैं, एक तरफ नीतीश कुमार जी हैं, सामने तेजस्वी यादव जी हैं, आप लोग कैसे तैयार हैं? हम लोग काम के अनुसार तैयार रहेंगे, जिसका काम ठीक रहेगा, काम ठीक करता है चाहे करते आ रहा है उसके पीछे हम लोग हैं। चाय के दुकान पर हम लोग हैं, आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से बाबा बेखौफ होकर बेबाक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। आप कितने समय से यहाँ पर चाय बेच रहे हैं? ज्यादा दिन से तो नहीं है सर, दो महीने से हैं। अच्छा, तो यहाँ पर पानी भी भरा हुआ है, तो ये तो जब पानी पूरा भर जाता होगा तो दुकान भी दह जाता होगा। हाँ पानी पूरा भर जाता है, दुकान हर बंद हो जाता है। यहाँ का जो वोटर है वो RJD का वोटर है, ये लोग RJD को वोट करते हैं, तो जो विधायिका हैं भाजपा की बीजेपी की, उन्होंने ठान लिया है कि नहीं, यहाँ का जो वोटर है वो हमें वोट नहीं करता है तो इस इलाके में हम विकास को भी नहीं पहुँचने देंगे। लेकिन ये गलत परिपाटी है, ये गलत बात है। बाबा फिर आपके पास में आया, इस बार अगर बात की जाए तो सबसे, बाबा आप बुजुर्ग हैं, गमछी वमछी लगा के रखिए, मास्क पहन के रखिए, कोरोना का डर बहुत ज़्यादा है, चुनाव फिर से चुनाव की बात शुरू हो गई है, नेताजी लोग खूब आपके गांव में पहुंचेंगे, सुनिए नेताजी लोग आएंगे, आपकी विधायिका भी आएंगी,
माफ़ी भी मांगेंगी। ये बताइए कि इस बार यहाँ की जनता ने क्या तय किया है? तय किया है तेजस्वी यादव को, जैसे कि यहाँ से तो सीट के चलते सीट बदल जाए, हाँ उससे मन हम लोग को एकदम भर गया है। यादव विकास करेंगे, जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। लालू यादव की देन है कि हम लोग को पीपा फूल मिला आने जाने के लिए, तो सब दिन हम लोग को कोई उपाय नहीं था। लेकिन लालू यादव की सरकार पर भी जंगल राज का आरोप लगा था। हाँ, जंगल राज प्रोग्रामे किया था वह कि जंगल है, वोट करवे करेंगे हम लोग। चलिए, तो इसी को बोलते हैं ग्राउंड रियलिटी। जब आप जमीन पर आएंगे, ग्राउंड में आएंगे, तो जो असली तस्वीर है विकास की वो सामने आती है। और बात निकल कर ये आई कि विकास के नाम पर खूब राजनीति होती है। अगर आप उस विधायक के वोटर हैं, उस जनप्रतिनिधि के वोटर हैं, तब आपके इलाके का विकास होगा, और अगर आप उसको वोट नहीं करते हैं तो फिर विकास में भी भेदभाव होगा। गांव के अंदर भी गए थे, आप बताइए कि उस परिस्थिति में आपको छोड़ दिया जाए रहने को, आप रह सकेंगे? न नल जल योजना सही है, न सड़कें सही हैं। हमने नाली, पक्की नाली की भी बात हो रही है, हमने अपने आंखों से देखा कि पक्की नाली की हकीकत क्या है। क्यों है ऐसा? ये हमारे जो यहाँ बिहार सरकार के जो यहाँ विधायिका है, दानापुर विधायिका, हम लोग के दियारा में आज तक एक बार भी अपना चरण लेके नहीं आई है। हमारे यहाँ आती तब ना मेरे समस्या को, हम लोग कटाव से पीड़ित हैं, बाढ़ से पीड़ित हैं, कभी सुखाड़ कभी बाढ़ दहाड़ से हम लोग पीड़ित हैं, कोई यहाँ देखने वाला नहीं है। पक्का पुल का घोषणा किया गया आज से नहीं, यहाँ हम लोग एक पीपा पुल एक ठो मिला था, वो भी बाढ़ के समय हट जाता। हम लोग के आवागमन का कोई साधन नहीं है किसी तरह से। एक बात मुझे आप लोग बताइए, यहाँ से बच्चे नौकरी भी करने जाते होंगे, स्कूल भी जाते होंगे, कॉलेज भी जाते होंगे, कितनी परेशानी होती है? आप लोग को पीड़ा नहीं होती है कि इसी नाव पर आपके जो बच्चे हैं वो जाते हैं, आप गार्जियन हैं उनके, डर नहीं लगता है? डर सबको लगता है, पीड़ा तो सबको होती है, लेकिन कोई दूसरा उपाय नहीं है। यहाँ इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है, लोग करके आ सकते हैं इसके सिवा। चुनाव होने जा रहा है, इस बार अगर बात करें तो एक तरफ नीतीश जी हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव तेजी से उभरे हैं, क्या होगा बिहार में? देखिए, हम तो सोच रहे हैं कि राजद का ही यहाँ सत्ता है जो, तो और अच्छा है। और राजद के लालू यादव शुरू से ही हम लोगों के साथ रहे हैं, हम लोग उनके साथ रहे हैं। अब कुछ विकास हुआ है लालू यादव के रेजिन में, हम लोगों को पीपा पुल मिला है कि जो दो चार चार पाँच महीना हम लोगों को सुविधा मिला, रोड भी मिला। लेकिन अभी जो समस्या है कि हम लोगों को जो मांग था कि इस नदी को बोल्डर पिचिंग कर दिया जाए कि कटाव रुक जाए। चलिए, जो भी हो, जिसकी भी सरकार बने, आप जिसके साथ भी जाएं, ये आपकी इच्छा है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अभी तक आपने जाति पाति के नाम पे खूब वोट किया, लेकिन अब इनसे आप लोग बाहर निकलिए, क्योंकि जब विकास की बात आती है तो जाति को छोड़ना पड़ता है। तो आज हम पानापुर दियारा इलाके में थे, आपने खुद देखा कि इलाके की तस्वीर क्या है, और वो भी तब जब इस इलाके का लगातार लंबे समय तक सत्ताधारी दल के नेताओं ने प्रतिनिधित्व किया है। खैर, जनता का भी समय अब आ चुका है, जनता अब तैयार बैठी हुई है, नेताजी लोग खूब यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन जनता भी हिसाब किताब करने के मूड में है। तो आज नदी के तीरे तीरे में बस इतना ही, अगले एपिसोड में किसी और इलाके में चलेंगे और जानेंगे कि लोगों की समस्याएं क्या हैं। नमस्कार।